अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तोसीफ इजाज़ और आप देख रहे हैं दिस यूनिवर्सिटी चैनल। तो गाइस, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर जो है वो कंटिन्यू हैं और आज हम लेक्चर नंबर 21 में नोट्स देखेंगे रिसर्च असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो गाइस असेसमेंट बेसिकली क्या है? इवोल्यूशन है जिसमें हम फ्लाज निकालते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स, जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए हैं क्योंकि हम लिटरेचर रिव्यू बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट क्या है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गैदर करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे क्या है कि एसेस द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सोर्स की क्वालिटी हम चेक करते हैं यहाँ पे, हम मतलब कि रेफर्ड जनरल आर्टिकल से लेते हैं इन्फॉर्मेशन, या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लेते हैं, या अनपब्लिश वर्क से लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, एक एसेस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी को एसेस करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसेस द स्टैंडिंग ऑफ द अतर, स्टैंडिंग ऑफ द अतर जो है वो भी एसेस किया जाता है कि एकेडमिक या साइंटिस्ट है। ठीक है, या मतलब कि वो कोई एकेडमिक टीचर है, ठीक है, या कोई साइंटिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी चेक किया जाता है, एसेस किया जाता है। इज़ द वर्क इन दियर मेजर फील्ड ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे सारी बातों को एसेस किया जाता है, तो इसका क्या मतलब है असेसमेंट। ठीक है, तो रिसर्च असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।